बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चले दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। किसी ज़माने में एक चोर था, वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज़ है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था, तो उसे सुनने में क्या चीज़ मान्य होती। आखिर वो चोर ही तो था। उस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूँगा जो नहायत मुत्तकी और परहेजगार होगा, बहुत अल्लाह वाला होगा। जब चोर ये बात सुन रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहजादी की शादी कर दे। दिल में एक हिर्स पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर उसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है, मैं जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और उसके वज़ाकता इख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊँ तो शायद ये बात बादशाह तक ज़रूर पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी और परहेजगार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है, तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहजादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊँ। ये उस चोर का एक नहायत हकीर और जलील दुनियावी मकसद था जिसके लिए उसने ये इरादा किया। फिर उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास सो पोशाक वज़ाकता इख्तियार करके इस मस्जिद में जाकर नमाजियों पर नमाजें, तिलावत कुरान, मराकबा सब शुरू कर लिया। दिन गुजरते गए और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह ले बहुत बड़े वली यहाँ ले आए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं जो नहायत ही जवान, जहद व इबादत में लाजवाब, तकवा और तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फिक्र शुरू कर दी कि शहजादी के मुतलिक जो सोचा था उसके लिए इसी का इंतखाब क्यों ना कर दिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वज़ीर को भेजा। वज़ीर उस शख्स के पास मस्जिद पहुंचा और बाअदब होकर कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूं। उसने पूछा कि क्या पैगाम है। वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तकी और परहेजगार होगा, अल्लाह वाला होगा। वो उस शख्स की तलाश में थे। उन जो नज़र गई तो नज़र इंतखाब आप पर आकर रुक गई, लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना व आरज़ू में यहाँ आकर बैठा था, बहुत देर तक वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। उसके बाद उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वज़ीर ने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं। वज़ीर ने कहा क्यों मंजूर नहीं। उस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मरतबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था, फिर जो कुछ भी हुआ उसको सुनाया, उसके बाद उसने चोरी नहीं की। और चोर ने कहा कि मैंने तो ये वज़ाकता इस हिर्स की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना दिया, अब बस इसके बाद मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। बेशक जब इबादत इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए, ज़िक्र ज़िक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें बाकी इबादतें हो जाएं, तो बेशक ये नमाजें और इबादतें इंसान को बुराइयों से रोकती हैं।